उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पंतनगर विश्वविद्यालय के नवनिर्मित छात्रावास का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित छात्रावास का नाम देश के पहले CDS स्वर्गीय जनरल विपिन रावत सिंह के नाम पर रखा गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान देश को मजबूत बनाने में स्वर्गीय जनरल द्वारा किए गए योगदानों की चर्चा की। बाद में गांधी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में CM धामी ने गेहूं, दलहन, तिलहन के उत्पादन बढ़ाने में विश्वविद्यालय के योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों का जीवन स्तर ऊंचा बढ़ाने के लिए जैविक कृषि पर जोर दिया जा रहा है। इस कारण आज राज्य में 34% जैविक कृषि की खेती की जा रही है। हमारा गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है, इसका बड़ा एक इतिहास रहा है, शानदार इतिहास रहा है। बहुत सारे शोध यहाँ पर होते रहे हैं और आज मैंने भी अपना एक उनसे अनुरोध किया है, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से, विश्वविद्यालय के हमारे परिवार से, कि उनका शोध व्यवहारिक रूप से एक ओनरशिप के साथ उन लोगों के लिए जिनके लिए शोध किया जाता है उसको अंतिम संकल्प तक, संकल्प लेकर सिद्धि तक पहुँचाने का मैंने जो अनुरोध किया है, मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय उस शिक्षा में आगे बढ़ेगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।